नमस्कार दोस्तों, मेरा मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो प्लेजर के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फ्रेंड्स बात करें इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो 42,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस हुआ करता था और टॉप वेरियंट आता था 46,000 रुपीज़ के अंदर, जो कि इसका एक शोरूम प्राइस है। अगर फ्रेंड्स बात करें आज यूज्ड स्कूटर मार्केट में या यूज्ड बाइक मार्केट के अंदर, तो उसका जो प्राइस आता है वो 15,000 to 25,000 रुपीज़ है, जो कि इतने के अंदर ये गाड़ी आती है आज की तारीख में। और इसकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और आज भी जो पिकअप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इस गाड़ी का आपको मिलता है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके इंजन के बारे में, तो आपको एयर कूलर्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन दिया जा रहा है। 102 cc का आपको इंजन मिलता है, 7 PS की पावर मिलती है ₹7,000 के RPM में, 8.1 Nm का टॉर्क दिया जा रहा है ₹5,000 के RPM में। ड्राइव टाइप बेल्ट मिलती है आपको, नंबर ऑफ सिलेंडर 1 दिए जा रहे हैं, वेव्स पर सिलेंडर 2 मिलते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर, फ्यूल टाइप पेट्रोल इंजन आपको दिया जा रहा है, और इग्निशन आपको CDI इग्निशन गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं। ट्रांसमिशन की अगर बात करें, वेरी ऑटोमेटिक ड्राइव आपको दी जा रही है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के टायर के बारे में, तो आपको ट्यूबलेस टायर इसके अंदर दिए जा रहे हैं। अलॉय व्हील्स की अगर बात करें तो आपको नहीं मिलते हैं, आपको स्टील व्हील्स दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें इस गाड़ी के अंदर इसके टायर साइज़ के बारे में, तो आपको 10 इंच का टायर दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर बात करें सस्पेंशन को लेके, तो बॉटम लिंक विथ हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन आपको दिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन आपको गाड़ी के अंदर फ्रंट में दिए जाते हैं, और यूनिट स्विंग विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन आपको बैक में दिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें चेजिस टाइप के बारे में, तो आपको हाई रिजिडिटी अंडरबोन टाइप चेजी दी जा रही है, जो कि वो भी बहुत ही बढ़िया है, और दोनों टायर आपको 10 इंच के दिए जाते हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके लेंथ, वृत्त और हाइट के बारे में, 1750 mm की आपको लेंथ दी जा रही है, 705 mm की आपको वृत्त मिलती है, और 1115 mm की आपको हाइट दी जा रही है। व्हील बेस की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो 1240 mm का आपको गाड़ी का व्हील बेस दिया जा रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस 125 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, तो 760 mm की आपको सीट हाइट गाड़ी के अंदर दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल जो कर्ब वेट है वो 101 kg का आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके टेल लाइट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं आपको एक एक्जोटिक टेल लाइट्स दी जा रही है, लेकिन ये आपको LED टेल लाइट्स मिलती है इसके अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी के बारे में, तो आज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्पेस आगे की तरफ दी गई है, आपको चौक का पॉइंट मिलता है। अगर इसके मीटर के बारे में बात करें, तो इंडिकेटर्स के मीटर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मीटर के अंदर आपको एनालॉग मीटर दिया जा रहा है, किलोमीटर ड्राइविंग का ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर, और इसका मीटर भी आपको अंदर एनालॉग ही दिया जाता है, डिजिटल मीटर आपको नहीं मिल रहा। अगर फ्रेंड्स इधर की बात करें, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी का एनालॉग मीटर गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। हेड बीम्स की लाइट आपको ऊपर दी जाती है। अगर बात करें इसके हेड बीम्स एडजस्टेबल के बारे में, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इंडिकेटर के ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। हॉर्न की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए, तो इसका जो हॉर्न है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी मिरर के बारे में, यहाँ की एक मिरर निकल गई है। और अगर इधर की बात करें, तो इसकी जो ये मिरर है ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइवर फ्रेंडली कह सकते हैं आप। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी मिरर को लेके, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसकी मिरर आपको दी गई है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की बूट को लेके, तो आप यहाँ पर अपनी की लगा के इसको खोल सकते हो। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी सीट के बारे में, तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसकी जो सीट है आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी जा रही है। टूल किट आपको इधर मिलता है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर दी जा रही है। USB चार्जर की अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी USB चार्जर गाड़ी के अंदर नहीं दिया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर दी जा रही है। तो एक तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सीट के ऊपर जो कवर दिया जा रहा है, उस पर भी आपको प्लेजर की बैजिंग मिलेगी। और अगर फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको प्लेजर की बैजिंग इसके अंदर दी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बॉडी ग्राफिक्स की अगर बात करें, तो आपको यहाँ पर बॉडी ग्राफिक्स भी गाड़ी के अंदर दी जा रही है। अगर फ्रेंड्स बात करें हुक के बारे में, तो आपको यहाँ पर एक हुक भी दिया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ओवरऑल क्वालिटी जो गाड़ी की आज भी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी गई है। अगर फ्रेंड्स बात करें स्पीड की और माइलेज के बारे में, तो 60 km/L का आपको माइलेज गाड़ी दे रही है। और अगर स्पीड की बात करें, तो 70+ जाने के बाद में गाड़ी अपनी स्टेबिलिटी खोने लगती है,
बाकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 10 इंच के व्हील है इसलिए गाड़ी थोड़ी सी स्लिपी होती है एक टाइम के बाद में। और जो पुरानी गाड़ी है उनमें ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता ही रहता है, चाहे आप कोई भी गाड़ी लें कि गाड़ी आपको स्लिपी थोड़ी सी होनी होनी है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हीरो होंडा की वेजिंग मिलती है, और ये कंपनी जो दोषी मोटर्स होता है, जो शोरूम वगैरह होते हैं डीलर्स वगैरह, उनकी यहाँ पर आपको बैजिंग दी गई है। बाकी ये जो हीरो होंडा की बैजिंग है ये टाई अप डे, हीरो ने मार्केट बनाया, होंडा ने टेक्नोलॉजी दी। दोनों कंपनियाँ जब टाई अप थी तब इसका ये एक तरीके से स्टेटस हुआ करता था कंपनी का, और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर भी आपको प्लेजर की बैजिंग देखने को मिलेगी, और फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो A1 क्वालिटी है, और यहाँ पर भी आपको न्यू प्लेजर का लोगो मिल जाता है जो इसके सीट कवर पे, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको गाड़ी दी गई है। तो फ्रेंड्स फुटरेस्ट की अगर बात करें इसके गाड़ी के फुटरेस्ट को लेके, तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर फुटरेस्ट दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर हीट गार्ड भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है, पुरानी गाड़ी में भी आता है जैसा कि आप देख सकते हैं। लेडीज़ के लिए भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो एक तरीके से ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है गाड़ी के अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के इधर साइड में, तो यहाँ पर आपको चाइल्ड के लिए भी फुटरेस्ट दिया गया, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल क्वालिटी गाड़ी की आज भी मेंटेन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो आपका प्यार हमारे को दे दीजिएगा। कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश रहेगी मेरी और हमेशा रहती है आपके जो भी क्वेश्चन है उसको लेके। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।